मैं प्रजापति दक्ष अपने पिता के शीश की सौगंध लेता हूँ कि जैसे तुमने मेरे पिता को शीशहीन किया, मैं इस संसार को शिवहीन कर दूंगा, शिवहीन कर दूंगा। मुझे देखते ही समझ जाना चाहिए था ये घृणित अघोरी मनन तुम्हारे ही अनुयायी हो सकते हैं, केवल इन्हीं के लिए पूजनीय हो सकते हो तुम। कभी कभी दर्पण मलिन नहीं होता दक्ष, धूल हमारी आंखों पर टिकी होती है। व्यक्ति का वेश केवल भुलावा है, मनुष्य की नीति मनुष्य की नियति निर्धारित करती है। मन का चक्रवात समझ सकती हूँ देव। आपके पिता का भरी सभा में अपमान होना, उनका शीश कटे देख कुछ भी न कर पाना बहुत पीड़ादायक है, परंतु शिव ने केवल पिता माँ के अहंकार के कारण ये अहंकार पिता में ब्रह्मा को नहीं हुआ था, शिव को ईर्ष्या हुई थी उनसे। उनके ज्ञान की वृद्धि पांचवें सिर का आगमन देखा नहीं गया शिव से, अन्याय है और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये केवल अपमान नहीं है, देवलोक के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है, इसे धोया जाना आवश्यक है और प्रजापति होने के नाते मैं इसका प्रतिकार करूंगा। मैं आपसे विनती करती हूँ देव, आपकी क्रोध में कुछ अनर्थ न कीजिए। अनर्थ नहीं, अब मैं शिव को ब्रह्म पुत्र की शक्ति का अर्थ समझाऊंगा। आज से मैं अपने राज्य में शिव पूजा पर प्रतिबंध लगाता हूं। और इस जग के कर कर में उसकी पूजा करने से कैसे रोक सकते हैं आप? मेरी सीमाओं के भीतर कोई शिव की पूजा नहीं करेगा, समस्त मंदिर बंद रहेंगे। इसे शिव की पूजा करने वाला अपराधी माना जाएगा। जो इस आदेश का विरोध करेगा उसे बंदी बना लिया जाएगा। हर हर शंभु, लगता है शिव हमसे रूठे, तभी नहीं आ रहे। आप कुछ करते क्यों नहीं शिव? अपने अपमान पर आप मौन क्यों हो? क्योंकि कुछ भी घोर नहीं, ना सम्मान की अपेक्षा ना अपमान की चिंता। शिव को अपने अपमान की चिंता नहीं, किंतु हमें तो उनके सम्मान की चिंता है। शिव से सब जन्मा है, यदि उनका ही अस्तित्व ना रहा कुछ नहीं बचेगा। नारायण, देवी लक्ष्मी उचित कह रही हैं। ब्रह्मदेव कृपया आप कुछ कीजिए, दक्ष आपके पुत्र हैं, आपकी बात अवश्य मानेंगे। नहीं मानेगा, जैसे मैं नहीं माना था। मेरे शीश से अहंकार काटा गया, परंतु यह घटना दक्ष के शीश में उसके पिता का अपमान बनकर बैठ गई है। नारायण, जहां एक और शिव ने सृष्टि के हित के लिए स्वयं ब्रह्मदेव का शीश काट दिया, परंतु दक्ष प्रजापति के इस व्यवहार के पश्चात भी आपका इस प्रकार से मौन रहना मेरी समझ से परे है।
यदि दक्ष प्रजापति की आपके प्रति भक्ति आपको उनके विरुद्ध कुछ भी कहने या करने से रोक रही है तो मुझे आदेश दीजिए। मेरे नाना श्री हैं वो, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि मेरे समझाने पर भी वो नहीं माने तो उनके विरुद्ध बल के उपयोग के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा, और मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। आप मौन क्यों है नारायण? मेरे मौन से पूर्व ये सोचिए कि शिव क्यों मौन है। दक्ष जिस पद पर जा रहा है वहीं से देवी शक्ति के आगमन का मार्ग खुलेगा। जिस प्रकार अंधकार को अंधकार से नहीं प्रकाश के तेज से काटा जाता है, उसी प्रकार इस शत्रुता को शिव के प्रेम का तेज काटेगा। और इस तेज को लाने का मार्ग मैं प्रशस्त करूंगा। देख रहे हो नारद? हाँ भैया, सुन भी रहा हूँ। नीरवता है, सन्नाटा है। सन्नाटा नहीं है, ये शांति है। हमारे पिता के अपमान के प्रतिकार की शांति। मंदिरों में भक्त नहीं है, और भक्तों के मन में है तो केवल दंड का भय। अब कोई शिव की आराधना करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अरे शिव दिखेगा तो पूजा जाएगा ना। अब केवल नारायण की पूजा होगी। ये धरा शिवहीन हो जाएगी। सत्य वचन नारायण नर, सत्य वचन। शिव शंभू, ये उपहास का समय नहीं है नारद। रुको, मैं किसी प्रकार का उपहास नहीं कर रहा भैया। आपके शिव के प्रति इतनी प्रेम भरी बातें सुनकर स्वयं शिव आ गए हैं। कहाँ? वो वहां। अब क्या करेंगे भैया? शिव मंदिर तो आपने सारे बंद करवा दिए, परंतु शिव शंभू तो कहीं भी विराज जाते हैं। आपका प्रतिकार आधा रह गया ना? आधा नहीं रहा, अभी पूरा होगा। सैनिकों, बुखार फेंको शिवलिंग को। आदेश का पालन हो। अभी इसी समय मेरे सम्मुख उखाड़ फेंको इसे। अनर्थ हो रहा है नारायण। करो वार, करो। प्रजापति के आदेश को काट रहे हो। अरे शुभ शुभ बोले आर्या,
भला इस धरा पर ऐसा कौन है जो प्रजापति दक्ष के आदेश के विरुद्ध जा सके? मैं तो बस इतना कह रहा था कि क्या इस शिव को बस इतना सलंड देना पर्याप्त होगा? अरे इसने आपके पिता ब्रह्मदेव का शीश काटा, आपके पिता का, हमारे महान प्रजापति का अपमान किया इसने, तो क्या ये शिवलिंग उखाड़ देने भर से पूर्ति हो सकती है? कहना क्या चाहते हो ब्राह्मण? उखाड़ने से पहले क्या वो नहीं करें जिसके वो पात्र हैं? अवश्य करना चाहिए जिसका ये पात्र है। धन्यवाद प्रजापति, तुम मुझे वो करने दीजिए। जिसके शिव पात्र हैं। सैनिक बंधुओं, जाओ और जितने सूखे घास फूस और बेल पत्ते हो सके लेकर आओ, जाओ। हमारे प्रजापति के मुख पर कालिख लगाई इसने, कहिए तो राखी मल दूं। मल दो, ऊपर से नीचे तक मल दो। जाओ राख ले आओ, जल्दी जाओ। अरे ये कर क्या रहे हो ब्राह्मण? इसी योग्य है ये, संतोष के साथ भस्म मल रहा हूं। मलो और मलो। इस शुभ काम में कुछ आपका भी योगदान हो आर्य, आप तनिक वहां से धतूरा तोड़ लाएं। हम वो क्या है ना, शिव को सुंदर फूल नहीं धतूरा चढ़ाना ही ठीक रहेगा। लाएं। सैनिकों, बस बहुत हो गया अपमान, अब इसे उखाड़ फेंको, चलो। कौन सा शिवलिंग प्रजापति?
जो दिख ही नहीं रहा उसे उखाड़ेंगे कैसे? ओम नमः शिवाय। अद्भुत दृश्य है, एक लौते देव जिनकी पूजा एक ओर स्वयं नारायण कर रहे हैं और दूसरी ओर अघोरी भूत पिशाच, बड़ा छोटा घोर अघोर सब समान है इनके लिए। धन्य है आप शिव जो सबकी श्रद्धा सबका मान स्वीकार कर लेते हैं, और धन्य है नारायण जो आपने शिव का अपमान ना होने दिया। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि अपमान के नाम पर आप मेरे ही सम्मुख शिव का अभिषेक करेंगे। समस्या यही है दक्ष, प्रतिशोध में डूबा मनुष्य सामने खड़े सत्य को भी नहीं पहचान पाता, और जब तक उसे भान होता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। अद्भुत अद्भुत, अपने आराध्य के लिए भक्ति निभाने आ गए आप, परंतु अपने भक्त की भावनाओं का तनिक भी आदर नहीं किया आपने। तुम्हारी भावनाओं का आदर है दक्ष, इसलिए नहीं चाहता कि संसार में अन्य की भावनाओं का अनादर करो। प्रिय हो इसलिए नहीं चाहता कि संसार में सबके अप्रिय हो जाओ। यदि प्रिय हो तो क्यों उस दिन शिव का विरोध नहीं किया आपने, क्यों मौन रहे आप? मैं नहीं मान सकता कि संसार के संचालक के पास इतनी शक्ति नहीं कि शिव जैसे अघोरी कपालिक को दंड न दे सके। विवश था मेरे साथ साथ संसार में जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो देवी आदि पराशक्ति की है। वो शक्ति जिसके बिना इस संसार क्या, शिव भी शव है। शक्ति का शिव से क्या संबंध है? संबंध है दक्ष, उन्हीं का तो संबंध है, वो स्वयं शिव में समाहित है, तो कैसे उनके विरुद्ध खड़ा हो जाऊं मैं? जब तक शक्ति उनकी है ये सृष्टि शिव ही नहीं हो सकती। धन्यवाद आराध्य, आपने अनजाने में मुझे शिव के विरुद्ध एक अस्त्र दे दिया। यदि शक्ति के बिना शिव शव है तो शिव को शव बना के रहूंगा मैं, शिव से उसकी शक्ति छीन लूंगा, शक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मेरे घर मेरी पुत्री बनकर जन्म ले, ताकि शक्ति मेरे वश में हो और अंततः
मैं शिव का अस्तित्व मिटा सकूं। ये प्रतिकार श्रेष्ठ होगा। अब तो तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो ना। अब ये ना कहना कि मैंने अपने भक्त को निराश किया। धन्यवाद नारायण मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकूं? तुम्हें शक्ति का सत प्राप्त हो दक्ष। आपकी लीला आप ही जाने, पर थोड़ा थोड़ा हम भी पहचाने। मुझे तो लगा था कि नारायण शिव का अपमान रोकने गए हैं, पर अब समझ आया कि उनका मुख्य उद्देश्य शक्ति के आगमन का प्रबंध करना था। क्षमा करना महादेव, पर टेढ़ी समस्याओं के निवारण के लिए सीधा मार्ग काम नहीं आता। आप मुझे अस्तित्व में लाए थे, मेरा धर्म है कि मैं आपके अस्तित्व को ना मिटने दूं, और उसके लिए देवी शक्ति को संसार में आना ही होगा। शक्ति परम शक्ति प्राण शक्ति आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति नमोस्तुते। बनाती है। जब मांगने की नीति अपनाई तो पाताल मिला। अब छीनने की नीति से स्वर्ग पाएंगे। ये समय है असुर जाति के भविष्य की नींव रखने का। दैत्य माता दिते के, दैत्य माता दिते के, दैत्य माता दिते के। बलि होगी, फिर जन्म लेकर ये देवताओं का जड़ से विनाश कर देगी।
शक्ति के आगमन की नींव रखी जा चुकी है। अब आप सभी देवगण देखिएगा, शीघ्र ही हमें शुभ सूचना मिले। इंद्रदेव, आ गई शुभ सूचना। स्वागत है मित्र। क्या बात, आपके चेहरे पर ऐसे चिंता की रेखाएं क्यों? 27 पत्नियों के पश्चात तो जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। इंद्रदेव, ये उपहास का समय नहीं है। भ्रमण करते समय मैंने असुर लोक में विचित्र हलचल का अनुभव किया। एक अनजान अग्निपुंज, अवश्य वो असुर हम देवताओं के विरुद्ध इसी षड्यंत्र की तैयारी में। यहाँ की गतिविधियां देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अवश्य ही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो ना तो सृष्टि के हित में है ना हम देवताओं के। इन्हें किसी भी मूल्य पर रोकना होगा। पर कैसे मित्र? माता, आप यहां इस समय? क्योंकि शत्रु समय देखकर नहीं आता वज्रांगी। देवों के गुप्तचर कभी भी आ सकते हैं, परंतु यहाँ सुरक्षा पर्याप्त है। देखिए, आपकी अजन्मी संतान इस गर्भगृह में कैसे प्रबल हो रही है। माता, कौन हो तुम? अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया भाई, रोना मत। मारुद्ध, अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम थे, परंतु ये तो जन्मा भी नहीं था। हत्या कर दी मेरे स्वप्न की, हत्या कर दी असुरों के भविष्य की। इंद्र, आपका स्वप्न भंग नहीं होगा माते। मैं आज सदा सदा के लिए देव जाति को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं। इंद्र! युद्ध की भेरी किसी भी समय बज सकती है। जो हुआ है उसके पश्चात असुर हम पर आक्रमण अवश्य करेंगे। चंद्रदेव, आप सभी तैयारी अपनी निगरानी में करवाइए।
तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज मैं सदा सदा के लिए स्वर्ग और पाताल की शत्रुता को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आज के पश्चात संसार से देव जाति का विनाश होगा। बजरंग, न्याय है आपका। जब इस इंद्र ने मेरी कोख पर वार किया तो आप मौन रहे, और अब जब देवराज इंद्र के प्राण जाने लगे तो आप यहां न्याय देने आ गए। तुम न्याय की बात कर रही हो दीति? न्याय नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने भेजा तुमने वज्रांग को। लालच था तुम्हारे मन में, और उसके भी
एक माता संतान को जन्म देती है अपने वंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अपनी ही बहन के वंश को मिटाना था। एक माता अपनी संतान को संस्कार देती है, किंतु तुमने अपनी ही संतान को एक शस्त्र बना दिया। तुम भी उतनी ही दोषी हो जितने इंद्र। देवलोक को आने वाले किसी भी संकट से बचाना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैंने जो भी किया वो अपने कर्तव्य के पालन हेतु किया। मैं अपना कर्तव्य निभा दूं इंद्र, कर्तव्य की आड़ में कुकर्म करने का दंड दे दूं तुम्हें। जिस प्रकार ब्रह्मा का शीश काटा था, क्या उसी प्रकार तुम्हारा शीश काट दूं? इस संसार का सबसे घृणित कर्म किया है तुमने इंद्र, एक माँ की कोख पर प्रहार किया है। उस करुणा को चोट पहुंचाई है जिस पर यह संपूर्ण संसार टिका है, और आप कर्तव्य की बात कर रहे हो। एक का भय और दूसरे का लालच दोनों मिलकर इस प्रकृति को नष्ट करने चले थे। असुरों को स्वर्ग के सिंहासन का लालच था, और तुम्हें उसे खो देने का भय। तो ठीक है इंद्र, आज के पश्चात तुम सदैव भयभीत रहोगे। दोबारा भूल कर भी ऐसी भूल मत करना। अद्भुत, मुझे लगा आप न्याय देंगे शिव, परंतु आप तो उपदेश देने लगे। मेरी संतान का क्या? क्या आप उसे मुझे लौटाएंगे? कदापि नहीं दीदी, मैं न्याय दूंगा उसे जो सच में पीड़ित है, उसे जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसे जिसे स्वयं की माता ने एक शस्त्र समझकर पाला और तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया।
कभी किसी यात्रा पर गए हो तो जानते ही हो, जितना कम सामान साथ लेकर चलोगे यात्रा उतनी ही सरल होगी। हमारा जीवन भी तो एक यात्रा ही है जिसमें भार उठाता है हमारा मन, मन जो कहता है कि सब अधूरा है, जो हर स्थान में केवल कमियां देखता है, जो कहता है जो किया जो मिला औरों से कम है। ये कम पाने की सोच ईर्ष्या बनकर मन को भारी कर देती है, परंतु जो नहीं पा सके उस पर विलाप करने से श्रेष्ठ क्या ये नहीं कि सच्चे मन से जो मिला है उसका आभार करो। अब तक जो तुमने श्वास ली है उनके लिए धन्यवाद करो। ईर्ष्या जीवन को कठिन बना देती है और आभार मन के भार को हल्का। यदि जीवन भारहीन करना है तो ईर्ष्या नहीं आभार चुनो।